मैं प्रणव दुबे आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कोरोना महामारी के संकट की घड़ी में आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपने आसपास के लोगों को और समाज के लोगों को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे रहे होंगे। आज इस YouTube के वीडियो के माध्यम से मैं अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों से दो विषयों पर बात करना चाहता हूं। पहला, किस लॉकडाउन की स्थिति में हमारे संस्थान की रणनीति क्या होगी और दूसरा, ये लॉकडाउन प्रतियोगियों के लिए एक सुअवसर के रूप में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी की स्थिति से निपटने के लिए हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों प्रयासरत हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस समस्या से निपटने के लिए अपना योगदान दे रहे होंगे। इस समस्या से निपटने के लिए आप सबको विदित है कि लॉकडाउन का तीसरा स्टेज चल रहा है। प्रारंभ में लग रहा था कि यह समस्या कुछ ही दिनों की है, पर जिस तरह से अभी स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि यह समस्या और कब तक जाएगी। इसलिए हमारे संस्थान के सभी टीम मेंबर्स के द्वारा मेरे राय मशवरा से यह निर्णय लिया गया है कि अब हम सब आप लोगों से YouTube के माध्यम से संपर्क बनाए रखेंगे और हमारी जो भी कक्षाएं आपकी शेष रह गई हो या हमें आपको आगे और बताना हो, उसे हम इस माध्यम से आपको कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं अपने आज इस वीडियो के पहले विषय बिंदु पर बात करूं, जो कि है लॉकडाउन में हमारे संस्थान की रणनीति। जैसा कि हमारा संस्थान विगत 4-5 वर्षों से इस क्षेत्र में आपको ऑफलाइन माध्यम से कक्षाएं उपलब्ध कराता रहा है, गुणवत्तापूर्ण कक्षाएं उपलब्ध कराता रहा है, हमने बहुत सारी सफलताएं भी इस संस्थान के माध्यम से अर्जित की, परंतु एक ऐसा घड़ी या ऐसा समय आ चुका है जिसकी वजह से हम ऑफलाइन आपको कक्षाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। इसलिए हमारी रणनीति होगी कि इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको कक्षाएं उपलब्ध कराएं और यह जो कक्षाएं होंगी इसके संबंध में हमारी विशेष प्रकार से दो प्रकार का प्रयास होगा। पहला प्रयास CGPSC मेंस के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें उन्हें आंसर राइटिंग के तरीके, उत्तर लिखने की शैली के साथ साथ कुछ विषयों की कक्षाएं कॉन्सेप्ट आधारित आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। इन विषयों में विशेषकर दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और लोक प्रशासन प्रारंभिक चरण पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा, CGPSC प्री और व्यापम के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और किसी GS विषय की कक्षाएं आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। जिस प्रकार से हमारी कक्षाएं ऑफलाइन मोड में रेगुलर होती थी, उसी प्रकार से ही आपको यह कक्षाएं 1-2 दिन के अंतराल में आपको विषय आधारित और टॉपिक आधारित YouTube के माध्यम से हमारे शिक्षकों के द्वारा आपके पास भेजा जाएगा। यह वीडियो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध होगा। उसके लिंक्स आपको शेयर किए जाएंगे ताकि आप नियमित रूप से उसका अध्ययन करके एक प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चले। तो ये हमारी रही रणनीति के संबंध में, जो मेरे द्वारा और मेरे टीम के द्वारा विशेष रूप से सिर्फ हमारे संस्थान के विद्यार्थियों को विशेष सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार का योजना बनाया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जिस पर मैं आपको चर्चा करना चाहता हूं, वह यह कि एक लॉकडाउन प्रतियोगियों के लिए सुअवसर के रूप में। जैसा कि आप सबको पता है कि यह संकट की घड़ी है और इस संकट की घड़ी में हमारे सभी कोचिंग संस्थाएं बंद हैं, साथ ही लॉकडाउन का यह चरण चल रहा है और इस विकट स्थिति में कई विद्यार्थी को मैंने देखा कि वह एक डिप्रेशन या अवसाद की स्थिति में आ रहे हैं। हमसे टेलीफोन के माध्यम से
व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से निरंतर कुछ विद्यार्थी संपर्क बनाए हुए हैं और वे अपनी समस्याएं हमारे समक्ष रखते हैं। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को यह बात बताना चाहूंगा कि जिन लोगों के पास किसी तरह का कोई बहुत ही ज्यादा आर्थिक समस्या और स्वास्थ्य समस्या ना हो, उन सभी विद्यार्थी इस समय को एक सुअवसर के रूप में देखें। यह एक ऐसा सुअवसर है जहां पर आप अपनी तैयारी को पूर्णता धार प्रदान कर सकते हैं। हमने ऑफलाइन क्लासेस के दौरान जब बच्चों को प्रशिक्षण या मार्गदर्शन दिया है तो मैंने पाया है कि सभी बच्चे अपनी तैयारी को अनुशासित होकर नहीं कर पाते, क्योंकि उस तैयारी के दौरान या तो वे स्कूल या कॉलेज की शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं या तो फिर वे किसी तरह के नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं या उनके समक्ष किसी तरह की विलासपुर में रहकर अपने आप को सेटल करने की समस्या होती है और वो इस विविध प्रकार के कारणों से उचित पूर्वक तैयारी करने में असक्षम होते हैं। दूसरी बात इसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि हम जब भी किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सामान्यतः हमें उसकी तैयारी में न्यूनतम एक वर्ष से लेकर अधिकतम 3 वर्ष या उससे अधिक का समय लगता है और उस समय हमको लगता है कि कोई वैकेंसी आ गया, हम उसके लिए तैयार नहीं हो पाए या हमारे पास समय कम पड़ गया, बहुत सारी समस्याएं हमको होती हैं। चूंकि अभी ऐसा अवसर है जहां पर सभी प्रकार की परीक्षाएं स्थगित हैं, अभी किसी प्रकार कोई नई वैकेंसी नोटिफिकेशन नहीं है, तो इस अवस्था में यदि हमारे पास उचित वातावरण उपलब्ध है तो हम अपने धैर्य को बनाए हुए अपने आप को पूर्णतः तैयार रखें और जब कभी भी परीक्षाएं आयोजित हों या किसी प्रकार की नई वैकेंसी आए तो हम अपनी तैयारी को इतना सुदृढ़ कर चुके हों कि हमें उसमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त हो। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस घड़ी में, इस परिस्थिति में किसी प्रकार से अपने धैर्य को न खोते हुए, पैनिक न होते हुए इसे अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन सुअवसर के रूप में देखा जाए और अपनी तैयारी को अनुशासित रूप से निरंतरता बनाए रखा जाए। हम और हमारा टीम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके पास नियमित रूप से शिक्षा पर और साथ ही साथ विषय आधारित वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। आज का यह वीडियो सिर्फ आपको हमारी रणनीति और आपके इस सुअवसर से परिचित कराने के लिए बनाया गया है। आगे की जो भी वीडियो हमारे द्वारा बनाई जाएगी वह सभी विषय आधारित होगी। आगे हमारी विषय संबंधित और महत्वपूर्ण कक्षाओं जो हमारी रेगुलर बेसिस पर चलती थी उसको प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।